कैसे कि आपने नोटिस किया है, जब भी आप शांति से 2 मिनट के लिए बैठते हो तब आपका जो माइंड है ना, या फिर पास्ट के थॉट में चला जाता है या फिर फ्यूचर के बारे में सोचने लग जाता है। और इसकी वजह से आप अपनी लाइफ में ना स्ट्रेस को फील करते हो, एंजाइटी को फील करते हो, इरिटेट होते हो। गाइस होता क्या है, जब भी आप ना पास्ट के बारे में या फ्यूचर के बारे में सोचते हो तब आप ना सवालों की जो गठड़ी होती है, सवाल क्रिएट करते हो नए और उनको अपने माइंड में डालना शुरू कर देते हो, और यही आपके स्ट्रेस का कारण बन जाता है। दिक्कत क्या है कि हम प्रेजेंट मोमेंट में है ही नहीं है, हम प्रेजेंट मोमेंट को जी ही नहीं रहे हैं, हम तो या फिर पास्ट में जाते हैं या फिर फ्यूचर के बारे में सोचते हैं बस। और आज की एक्सरसाइज बहुत ही ईजी है, आज हम यही सीखेंगे कैसे आप अपने 5 सेंसेस का यूज़ करके ना प्रेजेंट मोमेंट में जी सकते हो। और ये बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, इसको कोई भी कर सकता है, या फिर वो छोटा बच्चा हो या फिर कोई बूढ़ा इंसान हो, ये हर किसी के लिए सेम वर्क करेगी। और ये बहुत ही आसान है, अगर आप इसको हैबिट बना के चलोगे ना तो आप अपनी लाइफ में प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीख लोगे और कोई भी ऐसी परेशानी, आपको एंजाइटी या स्ट्रेस नहीं होगा। क्योंकि एंजाइटी स्ट्रेस तभी होता है जब आप फ्यूचर के बारे में सोचते हो या फिर पास के बारे में सोचते हो। जब आप प्रेजेंट में रहोगे तो आप प्रेजेंट के बारे में ही सोचोगे, सोचना भी नहीं क्या, प्रेजेंट में हो तो प्रेजेंट में ही, बात ख़त्म, बस प्रेजेंट में ही रहना है आपको। तो गाइज आज हम यही सीखेंगे कैसे आप अपने 5 सेंसेस का यूज़ करके प्रेजेंट मोमेंट में जी सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं 5 4 3 2 1 माइंडफुल एक्सरसाइज के बारे में। गाइज आप इस एक्सरसाइज को कभी भी कर सकते हो, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप इस एक्सरसाइज को ना तभी करना जब आपका माइंड पास्ट या फ्यूचर के थॉट्स के पीछे भागे। इस एक्सरसाइज को करने से आपका जो माइंड है ना वो प्रेजेंट मोमेंट में रहेगा, ठीक है, और करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप जब मर्जी कर लीजिए। बट ये ज़्यादा वक्त तभी करेगी जब ना आपको लगता है कि आप कुछ ज़्यादा सोच रहे हो चीज़ों के बारे में, पास्ट के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, ठीक है। आप उस वक्त करेंगे आप 1 मिनट में इसका रिजल्ट देख पाएंगे कि अरे अभी तो मैं ऐसे ऐसे सोच रहा था, ये हुआ वो हुआ, या फिर ये करना है वो करना है, ये सब कुछ कैसे एकदम ख़त्म हो गया माइंड में मेरे। तो आप ऐसा करने से ना प्रेजेंट मोमेंट में आ जाओगे और इसकी वजह से आपके जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, वो नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 5 से, जो कि है व्हाट डू यू सी। गाइस आपको ना कोई 5 चीज़ों के बारे में बोलना है जो आप अपने आँखों के सामने देख रहे हो। ऐसा नहीं आपको छांट छांट के कुछ बोलना है, जो भी सामने आए, जैसे कि अभी मेरे सामने कैमरा है, यहाँ लाइट है, मेरे यहाँ अलमीरा है, पिलो है, मेरा फ़ोन है, जो भी जल्दी जल्दी आपके माइंड में नहीं, आँखों के सामने कुछ भी आए उसको आपने ज़ोर से बोलना है, चिल्लाना नहीं है, बोलना है, सिंपल। अब बात करते हैं नंबर 4 की, व्हाट डू यू हेयर। गाइज आपको ना 4 आवाज़ों को पहचानना है जो भी आप इस वक्त सुन रहे हो। जैसे कि मेरे अभी यहाँ फ़ैन चल रहा है, बाहर एक खटपट की थोड़ी आवाज़ आ रही है, चिड़िया की भी आ रही है, ऐसे कोई 4 चीज़ों के बारे में आपको सुनना है। आपको क्या साउंड आ रहा है। अगर मान लीजिए आप किसी बहुत ही शांत जगह बैठे हो जहाँ पे किसी भी तरीके की आवाज़ नहीं आ रही है, आपके सामने कोई टेबल होगा या चेयर होगी, उसको हल्का सा हिलाइए, एक वो साउंड हो गया। आपकी सांसों की जो आवाज़ आ रही है, एक वो हो गई, ठीक है, ये तो है ही है, एक ये हो गई। मतलब कुछ भी आप कर सकते हो किसी भी तरीके से, या अपने पीछे जो है उसको खट खट करके एक बारी ये हो गई, दीवार पे थोड़ा सा टैप कर दिया या क्लैप कर दिया, कुछ भी कर दिया। साउंड, कोई 4 साउंड जो आपके आसपास अभी हैं उनको सुनिए, ध्यान से सुनिए वो कैसे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 3 की, जो कि है व्हाट कैन यू टच। गाइस ये भी बहुत आसान है, आपको कुछ भी 3 चीज़ें टच करनी हैं, उनकी कैसी फील आ रही है। जैसे कि अभी आपने जो कपड़े पहने हैं उसको आप टच करके देखिए, ये फैब्रिक का कैसे आपको फील आ रहा है, आपकी स्किन आप टच कर रहे हो तो आपको कैसा टच आ रहा है, या फिर जहाँ बैठे हो उस जगह को, चेयर को, वॉल को, पिलो को, किसी भी चीज़ को आप टच करके देखें। इतनी 3 चीज़ों को टच करें, उनकी
फीलिंग को अपने हाथ पे महसूस करें कि वो कैसा फील कर रही हैं। अब बात करते हैं नंबर टू की, जो कि है व्हाट कैन यू स्मेल। गाइस, आपको किन्हीं दो चीज़ों को स्मेल करना है। मान लीजिए आप कहीं पे बैठे हो, उस जगह का एनवायरनमेंट का कैसा स्मेल आ रहा है आपको, कैसी फ्रेग्रेंस आ रही है। अगर आपको किसी चीज़ की स्मेल नहीं आ रही या फील नहीं कर पा रहे हो, तब आप सिंपली आपने कोई लोशन लगाया हो अपने हाथ पे, बॉडी पे या कहीं पे भी, आप उसको स्मेल करके देख सकते हो। या फिर आपके पास कोई एसेंशियल ऑयल है, आप उसको सिंपली अपने हाथ पे कहीं पे भी जहाँ पे आपको बेटर लगे वहाँ लगा के आप उसको भी स्मेल कर सकते हो। या अगर आप चाहते हो कि या कोई अच्छा एसेंशियल ऑयल आपको रिकमेंड करूँ, तो मैं नीचे ना एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप वहाँ से एसेंशियल ऑयल को बाय कर सकते हो। लास्टली नंबर वन, जो कि है व्हाट कैन यू टेस्ट। गाइज, आपको टेस्ट लेना है, वो सिर्फ एक चीज़ का आपके अपने मुंह के अंदर आप फील करें, अपनी टंग को थोड़ा घुमाइए इधर उधर करके और फील करें कि आपको कैसा टेस्ट आ रहा है, वो कौन सी चीज़ है जिसका आपको टेस्ट आ रहा है। वो आप कुछ भी हो सकता है, अभी आपने कुछ देर पहले जूस पिया हो उसका टेस्ट आ रहा हो, या अभी आप ब्रश करके आए हो किसी पेस्ट का, उस पेस्ट का आपको टेस्ट आ रहा है, फ्रूट खाया है उसका टेस्ट आ रहा है, कुछ भी आप उस चीज़ को फील करें कि वो कैसा टेस्ट है, महसूस करेंगे वो टेस्ट कैसा है। ठीक है, मैं आपको अभी चैलेंज देता हूँ, वीडियो को पॉज कीजिए और अभी ट्राई करके देखिए इन 5 senses को। आप मुझे फिर बताइए आपको कितना टाइम लगा। मेरे को तो सही बताऊँ, मेरे को लगता है हार्डली 30-40 seconds बस। आप मुझे बता सकते हो कि आपको कितना टाइम लगा। गाइस, आप इस एक्सरसाइज को करने के बाद ना आप फील करो कि कैसे आपके जो आपका जो माइंड भागता था पास्ट में या फ्यूचर में भागता था, वो कम हो गया है या एक तरीके से ख़त्म ही हो गया है। क्योंकि जब भी आपका माइंड ऐसे करेगा ना, सोचेगा पास्ट या फ्यूचर के बारे में, आप इस चीज़ को अप्लाई करके देखें, आप इस चीज़ को हैबिट बना लीजिए। सीरियसली, आप हैबिट बना लीजिए। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में स्ट्रेस ना हो, एंजाइटी ना हो, फालतू का जो कचरा हम हर दिन भरते रहते हैं ऐसा ना हो, तो आप इस चीज़ को हैबिट बना लीजिए। जब भी ऐसा कुछ हो, आप अपने 5 senses का यूज़ करके इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हो। ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हो कि आपको इस एक्सरसाइज का कितना फ़ायदा हुआ, और मुझे बताना कि अगर और भी कोई एक्सरसाइज आप चाहते हो या फिर किसी और किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर बता सकते हो। मैं ट्राई करूँगा कि जल्दी से जल्दी उस वीडियो को बना पाऊँ। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी, और तब तक के लिए लव यू ऑल।